नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आज के इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ कार्यक्रम में हमने जाना कि कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता क्या होता है और किस प्रकार से हम अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि किस प्रकार हम अपनी आँखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। तो आज हम जानेंगे ओंकार देव जी के साथ कि किस प्रकार हम हाइट को बढ़ा सकते हैं, कद को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ओंकार देव जी, आप हमें बताइए किस प्रकार से बच्चों की हाइट को यानी कि कद को इंक्रीज कर सकते हैं। नमस्कार। अक्सर माँ बाप इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि उनके बच्चे का कद ठीक उम्र में और ठीक समय पे संतुलित बढ़ जाए। तो इसके लिए कई सारे कारण हो सकते हैं कद ना बढ़ने के। सबसे पहला कारण मांसपेशियों का और नसों का सक्रिय ना होना। एक कारण पूरा भोजन ना लेना और शरीर में कैल्शियम तथा विटामिन डी की कमी होना। और इसके साथ साथ कई सारे अनेक कारण भी हो सकते हैं। तो इन समस्याओं में योग अभ्यास विशेष रूप से भूमिका निभाता है। योग अभ्यास में कुछ विशेष आसन और व्यायामों का अभ्यास किया जाता है जिनसे मांसपेशियों में नसों में लचीलापन आता है, उनमें खिंचाव उत्पन्न होता है, शरीर में रक्त का संचालन भली प्रकार से हो पाता है और प्रत्येक अंग तक रक्त का संचालन ठीक प्रकार से पहुंच पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों की कद के वृद्धि ठीक प्रकार से हो पाती है। तो आज हमने कुछ विशेष अभ्यासों की रूपरेखा तैयार की है जिनका अभ्यास हम करेंगे। अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अगला अभ्यास दोनों पैरों को मिला लेंगे या फिर दोनों पैरों में 4 से 5 उंगलियों का फासला भी दिया जा सकता है। पीठ गर्दन को सीधा रखेंगे, हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और नीचे की ओर खींचेंगे, गर्दन सीधी। सांस भरते हुए सामने से हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, लंबा सांस भरेंगे, हाथों को दोबारा से ऊपर की ओर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए शरीर को अपने दाईं ओर झुका देंगे, कोहनी सीधी रहे, सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर, सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस भरते हुए सीधे और साइड से हाथों को वापस ले आएंगे। इस अभ्यास को दोनों तरफ से 5-5 से लेकर 8-8 बार तक करेंगे और कुछ दिनों के अभ्यास के बाद इसमें शरीर को रोक कर भी रखा जा सकता है। 8 से लेकर 15 सेकंड तक एक तरफ जाकर शरीर को रोक कर रखेंगे। जो भी अभ्यास हम कर रहे हैं, इन सभी अभ्यासों में हमारे शरीर की अधिकांश मांसपेशियों के ऊपर खिंचाव स्ट्रेच उत्पन्न होता है, जिससे मांसपेशियां सक्रिय होकर अपना कार्य भली प्रकार से कर पाती हैं और इनका विकास भी भली प्रकार से हो पाता है, जिससे कद वृद्धि में सहायता मिलती है।